चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है और थोड़ा सा महिलाओं से जानेंगे कि इस बार क्या इनका क्या है इरादा। ये बताइए चुनाव को लेकर क्या कहेंगे इस बार, क्या मिजाज चल रहा है आप लोगों का? भैया हम तो चाहते हैं मोदी हम लोग की वजह फिर जीते, मेरे देश के प्रधानमंत्री हमेशा वो रहे। मोदी में क्या दिख रहे हैं कि आप इस तरीके बता रहे हैं फिर जीते? भैया रोड तो बहुत अच्छा करा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब दोनों आप काम कर रही हैं, मतलब महंगाई भी पता चल रहा है कि है, मतलब यही है कि खाना नहीं रहेगा तो रोड पे कैसे आदमी दौड़ेगा? रोड पे क्या करेंगे, रोड अच्छा बनवा के। दिक्कतें हैं, महंगाई को थोड़ा कम करें। अच्छा एक बात है कि जिस तरीके से कहा गया था कि होली में सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, आप लोगों को मिला था? नहीं 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 भैया नहीं मिला, ये गलत बात है, ये सब गलत अफवाह उड़ी थी, ये सब का कोई हम लोग को बेनिफिट नहीं मिला। बेनिफिट नहीं मिला कुछ, ये महिलाओं के साथ धोखा दिए लो ना। हाँ, ये भाजपा सरकार धोखा ही देती है महिलाओं के साथ। अब क्या धोखा क्या अच्छा ये सब तो हम नहीं जानते हैं। हाँ। लेकिन रही बात कि फ्री में सिलेंडर देने की, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। हाँ, बोले थे होली में दो ठो सिलेंडर देंगे दिवाली पे भी। नहीं नहीं भैया ये सब किए हैं, ऐसा नहीं है, किए हैं शहर मेरे शहर बनारस के लिए भी बहुत कुछ किए। महंगाई पे रोक लगाए हैं कि नहीं? कोई रोक नहीं, उसी से तो जनता परेशान है। जनता तो परेशान है फिर भी मोदी कह रही है। अब कोई काम वो ऐसा कर ही दे रहे हैं कि मोदी करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जनता परेशान है भाई, महंगाई तो बहुत ज्यादा है और व्यापार तो सबका एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप लोग अगर व्यापारी हो तो समझ ही सकते, व्यापार तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। व्यापार तो बहुत दिक्कत हो ही गया है एकदम। सोना देखिए कितना महंगा हो गया, सराफा व्यापार का पूरा सब एकदम कुछ सब खत्म ही लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है। तो फिर महंगाई जब है तो फिर कैसे काम चलेगा? अब भैया हम लोग क्या बताएं, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों कि नहीं कर सकते हैं, महिलाएं तो दुर्गा भी हैं, सरस्वती हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं, आप लोग तो बहुत सारी चीज कर सकती हैं। वो बताएगी, वो निक्की बताओ। थोड़ा सा बताइए कि इस बार के चुनाव में आप क्या करेंगी और महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो बहुत है, बहुत है, बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं, इनके सरकार में हम लोग बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। और थोड़ा सा अगर इनको वर्क करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिए कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। रोजगार के लिए मतलब नौविकों को अवसर देना चाहिए इनको। तो लोग हमारे शहर से हमारे राज्य से अदर राज्य में जा रहे हैं, जैसे बिहार गवर्नमेंट कितना अच्छा कार्य कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये भाजपा सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है, थोड़ा सा बिहार जाकर पढ़ते लिखते उन लोगों के साथ कि कैसे नौकरी देना चाहिए। ये चीज उनको सीखना चाहिए, हमारे भाजपा सरकार को ये चीज सीखना चाहिए कि बिहार में किस तरह से वो निकाल रहे हैं, नौकरी निकाल रहे हैं तो तुरंत अपॉइंट भी कर रहे हैं वो लोगों को। ये तो पेपर लीक वाली सरकार लोग नहीं, पेपर लीक हो गया तो एक बार से आप किसी चीज को नहीं आंक सकते हैं। आप सबसे ज्यादा इन्हीं के शासन काल में हुआ है लीक? नहीं, शासन काल में हुआ है ठीक है भाई, प्रो एंड कॉन्स सब जगह होते हैं, गुण अवगुण हर जगह होते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारे भाजपा सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए। और व्यापार तो भाई सबका व्यापार इस समय ठप है, चाहे वो अभी ये दीदी बताई हैं सराफा व्यापार ही क्या, हमारा मेवा व्यापार, कोई भी व्यापार हो, सब लोग कहता है, सब लोग रो रहा है कि भाई व्यापार नहीं चल रहा है, महंगाई इतना ज़्यादा है। कहना ये है कि व्यापार ठप है, व्यापारी रो रहे हैं, त्रस्त हैं, लेकिन व्यापार ही तो सरकार बनाने में लगे हैं, मोदी किए हुए हैं। मंदिर से व्यापार नहीं चलेगा, यही तो ध्यान मंदिर के बगल इस बार यही ध्यान देने वाली बात है भैया। मंदिर तो हटी गया तो हम लोग क्या, बेरोजगारी बहुत हो गया इनके राज में, बेरोजगारी बहुत हो गया इनकी सरकार में, बेरोजगारी बहुत हो गई। सरकार जिसे अब युवा इस बार धोखा देंगे लग रहा है इनको। हाँ दे भी सकते हैं भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मन में भी मदद करेंगे, मन में जो है वो आदमी रखेगा ही, ये तो है ही है, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। यानी आपको लग रहा है कि ये सरकार जा रही है? हम ये नहीं कह सकते हैं कि जा रही है। सरकार जा रही है? नहीं, सरकार नहीं जाएगी, क्योंकि उनके आकलन शुरू सही हो गया है। मतलब देखिए महिलाएं हैं वो झूठ नहीं बोलेंगी, इनको भी पता है कि 50-50 पर आकर रुके हैं, 400 वाले जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं 50 पे आकर 50 है, ये मानते हैं 50-50 वाला हिसाब किताब है 50 में। इस बार राम बचा नहीं पाएंगे इनको? नहीं बचा भी सकते हैं, ये इतना बड़ा राम मंदिर बनवा दिए, राम ही बचा भी सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते, राम बचा भी सकते। तो देखिए ये बनारस की महिला है और जिस तरीके से चुनाव को लेकर बहुत सारी बात बताए हैं, व्यापार ठप है, चाहे कोई भी व्यापार हो, सारा व्यापार जिस तरीके से महिलाएं बताएं कि काफी दिक्कतें हैं, युवाओं को दिक्कत है, रोजगार नहीं है,
और एक तरफ से ये भी कह रही हैं कि आएगी तो भाजपा ही, अब आने वाले वक्त में समय में क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।